लूट और सुपारी लेकर हत्या करने वाले कुख्यात शातिर गिरोह का सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पर्दाफाश किया है और लूट के दो मामलों का खुलासा भी किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि पीपीगंज पुलिस को ये कामयाबी उस समय मिली जब अभियुक्त पीपीगंज के वेशी माई मंदिर के पास पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगी। उसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभियुक्त फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोरीपुर चौहान टोला निवासी शक्ति चौहान पुत्र अमर सिंह चौहान, कमलेश प्रजापति पुत्र दिनेश प्रजापति, मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान, लक्खी चंद पुत्र रंगीला लाल तथा सुनील चौहान पुत्र श्री राम के रूप में हुई है। इसके पास से पुलिस ने 1 32 बोर का पिस्टल, 1 जिंदा, 1 खोखा कारतूस, 1 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल तथा लूट का 11,060 रुपया बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त लूट के साथ ही सुपारी लेकर हत्या करने का काम भी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने जमीन कारोबारी ओम प्रकाश पांडे की हत्या की, सुपारी लिए थे। इसके लिए इन लोगों ने 2,90,000 एडवांस भी ले लिया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने उन्हें सफल नहीं हो पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। यही कोई गोरखपुर को ही, क्योंकि अभी पूरी तरह पहचान होनी बाकी है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी घटनाएं हुई है, अभी की पकड़ है। बता रहे हैं कि 6 लाख रुपए में इन्होंने सौदा तय किया था और ओम प्रकाश पांडे का पहले से ही उन्होंने कंप्लेंट भी की थी कि हमारे ऊपर जनाब उस लोग हमला कर रहे हैं। और ओम प्रकाश पांडे का व्यवसाय आप जानते हैं, जमीन की खरीद वगैरह का व्यवसाय है, पहले भी उनकी जो फायरिंग हुई उसमें जो पिस्टल है वो नजनी वाली जो है पिस्टल बूम से था। तो सर और अपना नया गैंग बना था इनका, पिछले 3-4 महीने से ये वारदात पे वारदात कर रहे थे। 2 लूटे लगातार करी और सनसनी खेज पिस्टल दिखा करके रात में जा सकते। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से पीपीगंज एरिया में लूट हुई है, खासतौर से जरसोल बाज़ार और एक बिहुली में, जंगल बिहुली में 1.5 लाख रुपए की एक शराब व्यवसायी की लूट हुई थी। तो उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे, तो हमें सूचना थी कि वहां पर मूवमेंट है और 3 गाड़ियों में 6-7 लोग आ रहे थे। ये अटकहवा रोड और बैशी माई मंदिर के पास जब इनको घेरा हमारी टीम ने, तो इनके साथ झड़प हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, तो ये इनको मौके से पकड़ा गया है। और ये इस पर 2 लूटों का खुलासा हुआ है, जिस पर इन्होंने माना भी है इन्होंने कि इन्होंने की हैं। इसमें मेन जो अभियुक्त हैं लूट करने वाले शक्ति चौहान और कमलेश हैं, और उनके साथ राहुल भी था, राहुल अभी वंचित है। 2 लोग उस लूट में शामिल थे, जिससे हमारी FIR संख्या 29 और FIR संख्या 92 जो दोनों लूट की हैं पीपीगंज की वो खुल जाती हैं। और इस पर इन्होंने जो लूट से जो बचे हुए बाकी पैसे हैं वो भी बरामद हुए हैं। इनसे एक अदद पिस्टल 32 बोर की और कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं, साथ ही घटना में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही साथ एक खुलासा जो सनसनी खेज है वो ये है कि पूछताछ के दौरान शक्ति चौहान ने ये भी बताया कि एक जो मोदीपुर निवासी ओम प्रकाश पांडे जी हैं, इनके लिए जो है इनके मर्डर के लिए भी इन्होंने सुपारी ले रखी थी, और इसके लिए बकायदा इन्होंने कोई 6 लाख रुपए की सुपारी और मनोज साहनी को दी थी। मनोज साहनी के साथ ये लोग भी शामिल थे, जिसमें शक्ति चौहान और नटवर तिवारी, दिनेश तिवारी के जरिए इसमें पैसे लिए गए थे कि किसी दिन इसको अंजाम दिया जाएगा। तो ये घटना का भी खुलासा है, और इसमें बकायदा जो हमारे ओम प्रकाश पांडे हैं उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज की है, जिसमें कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो एक सुपारी किलिंग की बात भी इन्होंने स्वीकार करी है, और इससे हम अभी 2-3 लोग इसमें वांछित हैं,
उनको अब वांछित घोषित करके उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इन्होंने फिर उसके बाद एक घटना में और भी इनमें नाम प्रकाश में आया, खजनी में आपने अभी सुना होगा कि हर्ष फायरिंग में एक बंदे को गोली लगी थी, उसमें भी एक बंदा और है जिसको इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि वो भी इनके ही गैंग का मेंबर है। तो अभी इतना होने के बाद इनके ऊपर गैंगस्टर और बाकी कार्रवाइयाँ करके इनको हमेशा के लिए शांत रखा जाएगा कि जिससे कि ये आगे इस तरह की लूटपाट ना कर सकें। तो कुल ने इनका अभी रिसेंटली ही इन्होंने गैंग बनाया था जैसा प्रतीत हो रहा है, और ये बड़ी डकैती करने की भी फिराक में थे, और कुछ बड़ा कांड जैसे हमने बताया कि सुपारी किलिंग भी हो सकती थी। और इसमें अभी और दो तीन लोग जो बचे हैं उनको गिरफ्तार करने से मामले की पूरी तरह से खुलासा। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी इसमें हमारे पास जो है 5 लोग हैं, जिसमें शक्ति और कमलेश, मनोज चौहान, लखीचंद और सुनील चौहान, ये 5 लोग हैं। ये बिल्कुल संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे, और ये हम लूट पर जब काम कर रहे थे, लूट के दौरान ही जब हम लोग को इनकी भनक लगी तो इनको कल जो है घेर करके इनको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके दौरान ये वारदात। क्या बरामद हुआ? इनके पास एक पिस्टल बरामद हुई है, अभी एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने लूट में बरामद करी थी, लूट में प्रयोग हुई थी, वो भी बरामद हुई है, और लूट का कुछ पैसा जो बचा हुआ है वो भी बरामद हुआ।